नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप YouTube चैनल खबर आप तक। भारत के सियासत में राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा अभी उफान पर है। अयोध्या के अंदर शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार से अध्यादेश ला करके मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार अयोध्या का मामला कोर्ट में होने की दलील देकर के फिलहाल बचती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि एक बार कोर्ट अपना फैसला कर दे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अध्यादेश भी लाया जाएगा। इसी बीच एक मुस्लिम इमाम ने एक विवादित बयान भी दिया है जिसका वीडियो भारत में वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मंदिर बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, ये तो शास्त्रों के अनुसार सविदित है कि भगवान अयोध्या के रहने वाले थे, लेकिन आज उनके ही नगर में उनके मंदिर को बनाने के लिए इतनी बड़ी संघर्ष की कहानी भारत के हिंदुओं के लिए एक शर्म का विषय भी है। भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल और ताकतवर व्यक्ति हैं, उनको इस तरह से धमकी देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस इमाम की तलाश भी शुरू कर दी है। इस प्रकार की ये ताज़ा न्यूज़ थी राम मंदिर से जुड़े मामले पर जो हमने आप तक पहुँचाई। आपका क्या सोचना है इसमें? क्या करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के लिए इस प्रकार से किसी की धमकी देना क्या सही है? अपने विचार और कमेंट में हमें नीचे कमेंट करके बताइए और लाएंगे ऐसी अपडेट जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।